हाँ बेटा सर स्टार्ट करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। वॉइस आ रही ना बेटा मेरी? मैसेज करिएगा बेटा, अपने माइक्स ऑफ रखिए। तो हम लोग को अगला चैप्टर जो स्टार्ट करना है वो इक्विलिब्रियम है। तो चैप्टर रिवाइज कर लिएगा अच्छे से बेटा, क्योंकि हम लोग जो है अब जो है उसका टेस्ट जल्दी ही आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है इक्विलिब्रियम। बहुत अच्छा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इक्विलिब्रियम। इसमें दो पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। इसमें समझना पड़ेगा क्या कि केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आयनिक डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ टर्म और सीख लें। एक्टिव मास, एक्टिव मास उन्हें इसको डबल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअली होता आपका है मोल पर लीटर, मोल पर मोल पर लीटर की बात होती है। यानी इसको यदि हम कहें तो एक्टिव मास को ब्रैकेट में लिखते हैं, तो यानी ये आपका हो गया वेट बाई मॉलिकुलर वेट, वेट बाई मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम। लेकिन किसमें चाहिए? वो लीटर में चाहिए आपको। यदि ML में होगा तो आप इससे परिचित हैं, वेट बाई मॉलिकुलर वेट इनटू, यदि वॉल्यूम आपका ML में है बेटा तो इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका होगा क्योंकि डेफिनेशन में है आपका, जो आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आता है हम लोग जो इसके आगे टर्म यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात करें, रिएक्शन आपका जो है ए प्लस बी, यदि रिएक्टेंट है ए और बी रिएक्टेंट है, रिएक्शन कर रहा है तो वह प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, सी प्लस डी बना रहा है मान लिया हमने। और यदि प्रोडक्ट भी आपस में रिएक्शन करके रिएक्टेंट बना दे तो यह रिएक्शन क्या कहलाएगी? रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहलाएगी बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जो हमारा टर्म है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कब हम इक्विलिब्रियम टर्म यूज करेंगे किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में। थोड़ा ध्यान रखिए बेटा, इक्विलिब्रियम टर्म हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में यूज किया जाएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं यूज कर सकते आप इक्विलिब्रियम टर्म। तो कब हम कहेंगे कि आपका जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वह इक्विलिब्रियम के स्टेट में है या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम? तो ये आपका कहलाता है स्टेज एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ
बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी वह स्टेज मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन की वह स्टेज जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम होगा वह स्टेज कहलाता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। थोड़ा कुछ पॉइंट समझिए पहले, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। यानी इक्विलिब्रियम यदि स्टेबलाइज हो गया इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है। रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट में बन रहा है, प्रोडक्ट रिएक्शन करके रिएक्टेंट में बन रहा है, वह थोड़ा थोड़ा स्लोली चलता रहता है। जैसे ही किसी कंसेंट्रेशन घटेगा रिएक्शन उसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी। जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन जो है वह रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन प्रोडक्शन बेटा यूरिया बनता है तो अमोनिया फॉर्मेशन से बनता है, अमोनिया मेन कंस्टिट्यूएंट है, तो हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनती रहती है। उसको करते क्या, क्योंकि रिवर्सिबल उसका नेचर है, तो अमोनिया विदड्रॉ करते रहते हैं और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सप्लाई कंटिन्यू रखते हैं। तो हमेशा रिएक्शन क्या, लार्ज हैडरन प्रिंसिपल यूज करके हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंग टू लार्ज हैडरन प्रिंसिपल वह क्या होता है, फॉरवर्ड एक्शन में मूव करती जाती है। ओके, यानी इसका दूसरा पॉइंट जो हमें समझना है कि एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुकती नहीं, ये समझिएगा रिएक्शन क्या है, रुकती नहीं। अब जो इक्विलिब्रियम आ गया रिएक्शन स्टॉप कर दी, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक। यानी मूव करता रहता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं क्योंकि इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, कैटेलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विली ब्रियम पॉइंट बट अफेक्टेड द टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम। यानी कि ये इक्विलिब्रियम को अटेंड करने का टाइम कम कर देता है, लेकिन इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता, ना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी लिखते हैं, कैटलिस्ट नॉट, ये लाइन सही नहीं है, ये लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉन्स्टेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कैटलिस्ट। और क्या करता है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड
रिएक्शन इन इक्वल एक्सटेंट। ओके क्लियर, ये चीजें आपको बताई बेटा, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि कैटलिस्ट को लेकर क्वेश्चन कभी आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आते हैं उसमें इन क्वेश्चंस की बात रहती है, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। अब हम लोग अपना आगे बढ़ाते हैं सर उसको। अब आता है अगला, देखिए क्या होता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत सिंपल सा लॉ है, उससे आगे बढ़ता है। क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन? रेट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। ये तो सिंगल सब्सटेंस की बात हुई, यदि एक से ज्यादा सब्सटेंस है तो क्या होगा? तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, ये होता है। यानी हम कहें तो लॉ ऑफ मास एक्शन की बात की है, क्या कह रहे बेटा? यदि आपका रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ, एक्टिव मास क्या? मोलर कंसंट्रेशन। लेकिन एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, ए प्लस बी जा रहा है आपका प्रोडक्ट में, इस रिएक्शन का रेट क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एक्टिव मास ऑफ। ओके, यहां पर ए और बी क्या है बेटा? इज एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। यदि ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटा दें तो क्या होगा बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होगा के एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी। यहाँ पे के क्या है बेटा? के आपका है रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब इसके हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तो बात होगी सिंगल साइडेड रिएक्शन की, हम लोग बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो वहां पर बात होगी। हम एक सिंपल से रिएक्शन लेते हैं, ज्यादा ये रिएक्शन आपको कॉमन मिलेगी, तो एक कॉमन रिएक्शन सीखते हैं। ए ए स्मॉल ए बेटा वह रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट ए का मोल है, यानी स्मॉल ए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए प्लस बी बी सी सी प्लस डी डी। क्लियर है बेटा? ओके, अब देखिए, अब क्योंकि आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें इसमें दो रिएक्शन है। कौन कौन से रिएक्शन है? एक आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी इसमें ए बी रिएक्शन करके सी और डी बना रहा है। दूसरी आपकी बैकवर्ड रिएक्शन है, इसमें सी और डी कंबाइन होकर ए और बी बना रहा है। तो हम बात करें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो वो प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? एक्टिव मास ऑफ ए की पावर ए स्मॉल ए, एक्टिव मास ऑफ बी की पावर बी।
और जब हम इक्वल टू करेंगे बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका के एफ, डिफाइन किया फॉरवर्ड रिएक्शन का ए की पावर ए और बी की पावर बी। क्लियर है? कॉपी कर लिए बेटा। इसी तरह आप यदि हम दूसरे वाले की बात करें, हम एक स्टेप कम कर दे रहे हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल टू जाए के बी, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, सी की पावर सी और डी की पावर डी। ओके बेटा, डी की पावर डी। क्लियर है सभी को? ये हो गया आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और पहला क्या था, रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। यहां तक बात क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत नहीं? यानी आपका जो केएफ है वो क्या है, वो आपका रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और के बी क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। हमने पीछे पढ़ा बेटा, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम यानी जब इक्विलिब्रियम पर स्टेबलाइज हो जाएगा तब की बात हो रही है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है बेटा, वो आपकी है के एफ ए की पावर ए बी का पावर बी इक्वल टू के बी, सी का पावर सी और डी का पावर डी। या इसको कर सकते हैं बेटा कैसे, के एफ बाई के बी, ये ध्यान रखिए पूछा हुआ क्वेश्चन बेटा, के एफ बाई के बी इक्वल टू सी का पावर सी डी का पावर डी की पावर ए बी की पावर बी। रेट कॉन्स्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय रेट कॉन्स्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन उसको बोलते हैं के सी, यानी के सी इज इक्वल टू होगा बेटा के एफ बाई के बी इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, यदि हम कहें बेटा जितने प्रोडक्ट्स आपके हैं डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। क्या कहलाए बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इस फोटो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ओके कॉपी कर लिए।
ठीक है बेटा। अब देखिए हो गया बेटा कॉपी। नेक्स्ट आपकी है एन टू प्लस थ्री एच टू टू एन एच थ्री। यदि हम इसके लिए केसी की डिमांड करें बेटा, केसी को क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यानी एन एच थ्री का मोलर कंसंट्रेशन 2 मोलर पावर 2 डिवाइड बाई एन टू का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कितना बेटा, 3 3 मोलर पावर 3। ठीक है, क्लियर है बेटा। ये आप रिएक्शन देखते चलिए क्योंकि पहचानने के लिए आता है उसमें। 4 NH3 प्लस 5 O2 4 NO2 प्लस 6H2। इसके लिए केसी क्या होगा बेटा, NO2 का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, NO2 है पावर 4, H2O की पावर 6 डिवाइड बाय NH3 की पावर 4 और O2 की पावर 5। कॉपी कर लेंगे। फिर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करिए। इफ एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एन टू एस टू एंड NH3 आर वन पॉइंट फाइव इंटू 10^-2 मोलर 3.0 × 10^-2 मोलर एंड 1.2 × 10^-2 मोलर रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट केसी फॉर रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3। सॉल्व करिए बेटा, सभी लोग सॉल्व करिए।
फटाफट सभी लोग सॉल्व करिए बेटा। ओके बेटा, सभी लोग कोशिश करिए बेटा, मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, लेकिन आप भी कोशिश करिए। चलिए बेटा, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, आप तक प्रयास करते रहिए, तो हम कर रहे हैं अपने साइड से। भाई रिएक्शन हमारी ये है, देखते हैं। रिएक्शन हमारी है N2+3 H2 2NH3। यदि हम केसी की बात करें तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NH3 प्रोडक्ट है बेटा, उसका पावर 2। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3। अब देखिए कितना दिया बेटा, नाइट्रोजन का दिया है 1.5 × 10⁻², हाइड्रोजन का दिया है 3 और इसका 1.2, तो इसका आपका होगा 1.2 × 10⁻²² का पावर 2, और इधर आपका 1.5 × 10⁻²। ये तो हो गया आपका इसका नाइट्रोजन का, और हाइड्रोजन कितना था, हाइड्रोजन था 3 × 10⁻²। लेकिन बेटा क्योंकि ये 3 मोल है, ये क्या होगा, इसका होगा क्यूब, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 12 में 44, तो 1.44 × 10⁻⁴ डिवाइड बाय 1.5 × 10⁻², इंटू ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3 × 3 = 27, 10⁻² कितना हो गया, 2 × 3 = 6। ओके, तो ये 6 2 8 ऊपर गया, तो ये आपका सॉल्व होके बन जाएगा 1.5 है ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1.44 × 10⁻⁴। पूरा सारे डेसिमल हटा दे बेटा, 1 पॉइंट यहाँ 1 पॉइंट यहाँ है, तो शिफ्ट होगा तो कम हो जाएगा, तो 144 × 10³ नॉट -3, 3 डिवाइड बाई 15 × 27। इसको सॉल्व करेंगे बेटा कितना आएगा, ये 0.355 × 10³ या 3.55 × 10⁻²। क्लियर बेटा, कैलकुलेशन में कहीं कमी रही बेटा पूजा? ओके, थोड़ा पावर का ध्यान रखना बेटा हम लोग को, तो सही हो जाएगा। ये थोड़ा 3 कम ठीक लग रहा है, इसको ठीक से 3 कर दें। ओके,
ठीक है बेटा, चलिए अगर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स आपको हम नोट करा रहे हैं, उस पर थोड़ा फोकस करें। मेन बात यह बेटा कि आपको इसमें लगा ना, इक्विबियम को टॉपिक बहुत अच्छा है। इक्विबियम टॉपिक की खास बात क्या है कि आपको जिस मतलब इसमें देखिए, जैसे फिजिकल में आपको मैं थोड़ा ये बता दूं कि फिजिकल आपकी टफ और कठिन, मतलब कि इजी, सबका अलग अलग ओवरव्यू है। लेकिन मैं फिजिकल का एक बेस चीज बता दूं, फिजिकल आप मेहनत की बात करेंगे तो फिजिकल में सबसे कम आपकी एनर्जी वेस्ट होगी रिवीजन करने में, एनर्जी मतलब समय सब कुछ। बस एक बार आपको शुरू में से, यदि आपके बायो बैकग्राउंड के, स्पेशली बायो का मैं भी रहा हूँ बैकग्राउंड का, तो एक फोबिया रहता है कि फिजिकल हमें नहीं आएगी, इसलिए हम उसे टच नहीं करते। मैं भी ऐसा ही था, ऐसा नहीं कि मैं अलग था। अग्नि किरण ने खूब मेहनत करता है, लेकिन यदि फिजिकल हमने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे पहले पढ़ाने को फिजिकल ही मिली, क्योंकि जो मेंटर थे हमारे, जिन्होंने जिनके हम कोचिंग पढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि मेडिकल जेई की बोला सर देखिए फिजिकल आपको आ जाएगी तो बाकी तो आप पढ़ा ही लेते हो। तो जब मैंने फिजिकल स्टार्ट की तो फिर मैंने देखा कि फिजिकल में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कॉन्सेप्ट एक बार आपको अच्छे समझ में आ गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी है, तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। बस होता क्या है कि हम लोग फिजिकल नहीं, शुरू में जो हमारे और स्टूडेंट है जो कंपटीशन रह जाते हैं कभी कभार, मैं देखता हूँ फिजिकल के डर से या फिजिकल क्वेश्चन नहीं कर पाते, उनका दिक्कत क्या होता है कि वो शुरू में फिजिकल पढ़ते नहीं है। अब जब एग्जाम करीब आता है तो वो जान झोंक देते हैं फिजिकल में, फिर फिजिकल भी नुकसान हो जाती है, इधर आपका ऑर्डिंग नॉर्मल भी रिविजन नहीं हो पाता। तो फिजिकल आप शुरू से पढ़ें, उसके कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़े थी हम बात करें, 30 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री में आएगा पीजीटी में, तो कम से कम 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस पर होगा। और कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने फिजिकल कई बार पढ़ी है। एक बार पढ़ोगे आप तो वहां पे 4 ऑप्शन में आपको दो दो सही लगेगा या कोई सही नहीं लगेगा, फंस जाओगे आप। इसलिए उतना ही टाइम जितना टाइम आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में देते हैं, यदि उसका 50% टाइम फिजिकल में देते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा आप फिजिकल में ज्यादा स्कोर करोगे एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ये मतलब है ब्यूटी उसकी। तो इसलिए आप इसका ध्यान रखिए कि फिजिकल आपको अच्छे से करना है, उसका असर एक लौता तरीका क्या है, जो कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाए उसे रिवाइज करते रहिए मतलब टाइमली, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो रखी कर रहा है उसको बार बार करिए, उससे हो गया होगा आपको वहाँ पर टाइम बचेगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप तो समझ जाएंगे मुझे करना क्या है। सबसे बड़ा इशू ये होता है क्वेश्चन में फिजिकल के, कि बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है उसे समझ नहीं आता उसे करना क्या है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन तो एक आध कोई मिल जाए मिल जाए, वरना थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और किस तरह यूज करना है, ये दोनों बातें हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं। आप जो आपको पॉइंट बता रहे हैं वो नोट के फॉर्म में है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। नोट पहला नोट, सॉल्ड का जो कंसंट्रेशन हम लोग लेते हैं वो हमेशा यूनिटी लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज टेकन एज यूनिटी। यूनिटी मतलब होता है 1, जैसे CaCO3 को आपने हीट किया या CaO में कन्वर्ट हुआ वह सॉलिड और CO2 गैस में कन्वर्ट हुआ। यदि हम Kc की बात करें तो यह सिर्फ और सिर्फ कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 के बराबर होगा। इवन यदि हम Kp की बात करें तो वहां भी यही आएगा, पाई प्रेशर में तो ही वह पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर होगा। बाकी इसमें CaO और CaCO3 का कंसंट्रेशन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वह यूनिटी है, 1 है, तो 1 डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो बेटा, आंसर में कोई चेंज नहीं होता। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? डाउट यदि हो रहा है तो मैसेज आप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, वो मैं दिख जाता है मुझे। अब कुछ और बातें रखिए, सेकेंड नोट की बात करें, इक्विलिब्रियम। बहुत ध्यान समझिएगा इसको, कंस्टेंट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।
रिएक्टेंट क्या इनिशियल में क्या कंसंट्रेशन है उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई लेन देन नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम लोग कंसंट्रेशन तब की बात करते हैं जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कब, जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है। इनिशियल में क्या था उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बहुत ध्यान से फोकस रखिएगा, ये क्या बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज डेफिनेट वैल्यू, वैल्यू फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन। गिवन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, क्लियर? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती है, कैटलिस्ट डिपेंडेंट नहीं होती है। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग और कुछ चीजें सीखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि हम रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, यानी इफ, ये थोड़ा समझिए बेटा, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेसिप्रोकेटेड, उसकी वैल्यू क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल हो जाएगी, वो भी रिवर्स हो जाएगी। कैसे? सिंपल सा इक्वेशन देखिए, एच टू प्लस आई टू गैस स्टेट में है, मैं संजीव राय जी, थोड़ा माइक ऑफ करिए बेटा अपना प्लीज। टू एच आई, यदि इसके लिए हम माने कि के सी इक्वल टू आपका 50 है, देन फॉर रिएक्शन टू एच आई एच टू प्लस आई टू, तो इसके लिए के सी डैश इक्वल टू होगा 1 बाई के सी, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन रिवर्स हो गई, इनवर्स हो गया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1/50। क्लियर? मतलब 0.02। कोई दिक्कत? रिएक्शन जैसे मूव करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मूव करेगा, यदि मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर एन हो जाएगा, जितने से मल्टीप्लाई करोगे, रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिवर्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? अब रिएक्शन आगे, क्वेश्चन आगे बढ़ाएं, इसी स्टेप पे कोई दिक्कत हो बेटा तो आप अपना कमेंट्स कर सकते हैं।
अगला पॉइंट सुनिए इस बात को भी, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इफ द रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई अ फैक्टर एन, देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बिकम एरी के सी डैश को माने, तो हमेशा इनिशियल वाले का पावर एन होगा। यह थोड़ा समझिएगा पावर एन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बड़े आते रहते हैं, वैल्यू के फॉर्म में आ सकता है और इक्वेशन के फॉर्म में आ सकता है, ऐसे समझिए इस बात को। हम इसी एक साथ लिख रहे हैं अभी, ए प्लस बी इक्वल टू टू सी है, और इसका आपका के ई क्यूलम क्वेश्चन की वैल्यू हमने के सी माना या के मान लेते हैं, ठीक है। इसको हमने कर दिया टू ए प्लस टू बी, तो जाएगा फोर सी। तो इसके लिए के ई क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, तो हम के डैश डिफाइन करें तो के का पावर, क्योंकि टू से मल्टीप्लाई होगा, टू के का पावर क्या हो जाएगी, यदि हम इसको वन बाई कर दें, वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दें, ए प्लस वन बाई टू बी सी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ, ये डबल डैश इक्वल टू क्या हो रहा है, पर क्या किया, वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी के की पावर वन बाई टू। वन बाई टू का मतलब हुआ क्या, रूट, यानी रूट, आप समझिए बेटा। इस रिएक्शन को थोड़ा हमने बदल दिया, सी की पावर वन बाई टू ए प्लस वन बाई टू बी, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्यू इक्वल टू हमने के ट्रिपल डैश माना, ये क्या होगा बेटा, पहले समझिए के की पावर, के ये वाला सिलेक्ट कर रहे हैं बेटा, हमने क्या कर दिया, वन बाई टू कर दिया, लेकिन रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, यानी माइनस वन बाई टू, क्या कर दिया, माइनस मतलब रिवर्स कर दिया, तो माइनस कर दिया, तो इसके मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वन बाई, माइनस मतलब पावर नीचे जाएगा रूट के। यदि इन तीनों में आपस में रिलेशन की बात की जाए तो देखिए ध्यान से, के डैश डबल डैश कह दिया हम, स्क्वायर करें तो ये आपका के बराबर होगा, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर, कॉपी कर लेते, एक और पॉइंट बचा है उसको भी बता दें।
फिर हम लोग करते हैं। हो गया बेटा। समझिए बेटा, रिएक्शन इफ एनी केमिकल रिएक्शन इज completed in more than one step, then equilibrium constant for overall reaction is equal to the product of equilibrium constant of all steps. ये देखिए, एक रिएक्शन आपकी ये है, N2+O2, 2N। दूसरी रिएक्शन आपका ये है, ये रिएक्शन आपका हो गया ए, और एक N2+2O2 2NO2, ये आपकी रिएक्शन है। इसके लिए हम क्वेश्चन की बात करें तो K इज इक्वल टू क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ NO2 की पावर 2, क्योंकि 2 मोल है बेटा, डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ N2 डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ O2, 2 मोल है तो पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन 2 स्टेप से मिलाकर होगी। स्टेप फर्स्ट की बात करें, N2+O2 2NO, इसका एकदम क्वेश्चन को हमने K- माना, K1 माना मतलब, तो ये आपका होगा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO यानी एक्टिव मास ऑफ NO का पावर 2, 2 मोल है बेटा, इसलिए डिवाइड बाय रिएक्टेंट में आपका N2 का एक्टिव मास और O2 का एक्टिव मास। क्लियर। दूसरा स्टेप आपका यह क्या है, इसके आगे का अपना है स्टेप 2, 2NO प्लस O2 2NO2, ऐसे कॉपी कर लिए फिर नेक्स्ट पेपर लिखे। तो K2 इज इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का पावर 2 डिवाइड बाई 2NO और O2, NO का पावर 2 और O2। अब ध्यान दिए बेटे थोड़ा, यदि हम K की बात करें तो भी कहा मल्टीप्लाई कराओ, तो यानी K1
मल्टीप्लाइड बाई के टू। तो चेक कर लेते हैं, देखिए के वन का वैल्यू क्या था, एनओ का पावर टू एन टू ओ टू, एनओ का पावर टू एन टू ओ टू। एन टू ओ टू मल्टीप्लाइड बाई एन ओ टू का पावर टू एन ओ का पावर टू। देखो यहां से एन ओ टू, एन ओ टू ये पूरा पूरा कट जाएगा जी, ये बड़ा ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आएगा क्या, एन ओ टू का पावर टू डिवाइड बाई कॉन्स्टेंट था एन टू मल्टीप्लाइड बाई ओ टू का पावर टू। ये मैच कर रहा है कि नहीं, इससे कैसे ये आपका सही है, यानी सॉरी यानी हम कहें तो ये क्लियर हो गया, के स्क्वल टू के वन मल्टीप्लाइड बाई के टू। यदि एक से दो से ज्यादा स्टेप होगा तो मल्टीप्लाई के टू के थ्री सो वन। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। हो गया बेटा, ये पॉइंट हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, थोड़ा उसको और एलिबरेट कर दें। इन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम द प्योर सॉलिड्स और लिक्विड्स मस्ट बी प्रेजेंट फॉर इक्विलिब्रियम टू एग्जिस्ट। But their concentration or their concentration not does not expressed in equilibrium constant लिखे जाएंगे रिएक्शन बड़े, लेकिन उनका कंसंट्रेशन नहीं करते बिकॉज इट इज यूनिट। एक होती वैल्यू, जैसे देखिए ए जी टू सॉलिड प्लस टू एच एन ओ थ्री एक्वस टू ए जी एन ओ थ्री एक्वस प्लस एस टू लिक्विड, तो केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जी एन ओ थ्री बड़ा दो मोल है उसका स्क्वायर, क्योंकि ये प्योर लिक्विड है तो उसको नहीं लेंगे, और इधर आपका जो है ये सॉलिड है उसको नहीं लेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ एच एन ओ थ्री का
हो गया बेटा। अब देखिए अगला बेटा, कि पी इक्वल टू होता है के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। केपी बेटा यदि आपका पार्शियल प्रेशर में दे रखा है एकदम कॉन्स्टेंट, तब की बात करेंगे। जैसे आप समझिए, मैं थोड़ा बता दूं फिर आगे बात करते हैं। एक होता होता है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इफ कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन प्रेशर। केसी कब कहेंगे? ये होता है आपका इक्विली ब्रियम कॉन्स्टेंट इफ कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर। ओके कॉपी कर लिया। डेल्टा एनजी से आप परिचित हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एनजी क्या होता है? डेल्टा एन जी समझिए बेटा ध्यान से, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और इसमें सुधार गैसियस प्रोडक्ट। ध्यान रखिए बेटा, जो प्रोडक्ट आपके गैसियस स्टेट में होंगे उन्हीं के मोल इसमें लेंगे। माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये होता है डेल्टा एन जी। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप समझिए थोड़ा, एच टू गैस प्लस आई टू गैसियस टू एच आई, तो बेटा इसके लिए के पी ए डिपेंड करेंगे तो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई का पावर टू डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ आई टू। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करेंगे बेटा तो इसके लिए के पी केसी में समझिए, के पी इक्वल टू होता है के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, और इस फॉर गिवन रिएक्शन डेल्टा एन जी इक्वल टू क्या होगा? जीरो। यानी के पी इक्वल टू के सी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, देगा कि जो रिएक्शन दे रखी है उनमें से किसके लिए के पी और के सी की वैल्यू बराबर होगी या किसके लिए कम होगी किसके लिए ज्यादा होगी। तो ये फॉर्मूला जो आपका है के पी इक्वल टू के सी की पावर डेल्टा एन जी, के पी स्क्वायर के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ये आपको ध्यान रखना होगा, फिर हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप बेटा इसको रिवाइज कर लिए पूरा जो आज पढ़ाया गया, अच्छे से रिवाइज करिए, फिर हम लोग कल क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो बाकी क्लास कल होगी इस टाइम पर, कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कोई दिक्कत बेटा किसी को?